नवरात्रि के समापन पर भिलाई शहर के आमदीनगर हुडको में रविंद्र निकेतन द्वारा संचालित कालीबाड़ी प्रांगण में बंगाली समाज द्वारा माँ दुर्गा की पारंपरिक विदाई की गई। इस दौरान समाज की महिलाओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ सिंदूर खेला और इसका आयोजन किया। इस अनोखी परंपरा में महिलाओं ने अपने माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर होली की तरह इस पर्व को मनाया। इस खास मौके पर बंगाली महिलाएं पारंपरिक लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ियों में सजी हुई थी और अपने चेहरे पर सिंदूर की रौनक बिखेरते हुए माँ दुर्गा को विदाई दे रही थी। शारदीय नवरात्र पर देश प्रदेश और जिले में माता की भक्ति में लोग लीन रहे। इसी के साथ ही 9 दिनों के लिए माता की स्थापना विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समितियों के द्वारा की गई थी। इसी कड़ी में बंगाली समाज के द्वारा हुडको कालीबाड़ी में भी रविंद्र निकेतन के द्वारा माता की स्थापना की गई। बंगाली समाज के द्वारा यहां पर प्रतिदिन माता की पूजा आराधना की गई। इन 4 दिनों में विभिन्न तरह के आयोजन भी मंच के माध्यम से किए गए। इसके साथ ही समाज के द्वारा बीती रात को गीत संगीत का मधुर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अंचल के कलाकारों ने यहां पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। नसीब है जो मेरे यार ने हंस के प्यार से देखो मिले दीवाना मेरा शांति ने माता से सबकी खुशहाली का कामना करते हैं। सब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, भाईचारे से रहे और ये सब। और ये 5 दिन हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। 4 दिन से आयोजन में षष्ठी में हमारे यहाँ के बच्चों ने, हमारे हुडको और आसपास के सारे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के नृत्य और संगीत से हमारा पूरा दिन, मतलब सुबह शाम से लेकर के रात तक उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। उसके बाद सप्तमी में भी हमारे ही भिलाई के जाने माने कलाकारों लोगों ने अपना कैरोके द्वारा सिंगिंग किया। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा अष्टमी को साइबर क्राइम के ऊपर पुलिस विभाग ने हमारे सारे लोगों को भिलाई में जागरूक करने के लिए एक पखवाड़ा उन्होंने आयोजित किया है। अलग अलग प्रकार के जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उससे कैसे बचना है, इस बारे में उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जो कि हमारे सभी भिलाई वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता से क्या कामना करते हैं? माता से यही कामना करते हैं कि सारे भिलाई वासी, भिलाई के पूरे देशवासी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इसके साथ ही अगले दिन समय आया सिंदूर खेला का। तो बता दे, ऐसी मान्यता है कि माता अपने मायके आती है और श्रद्धालु उन्हें हंसते गाते हुए विदा करते हैं, इसीलिए सिंदूर खेला की रस्म अदा की जाती है। सुहागिनों ने यहां पर सिंदूर खेला की रस्म अदा की, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर और माता को सिंदूर का लेप लगाकर और माता की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया और खुशियाँ जाहिर की।
बहरहाल नवरात्र पर्व का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। बंगाली समाज के द्वारा भी कालीबाड़ी में विराजित की गई माता की विदाई की गई। सुहागिनों ने यहां पर सिंदूर खेला में रस्म निभाते हुए माता को विदा किया और माता का आशीर्वाद लिया और अगले वर्ष पुनः उनसे मिलने की खुशियां जाहिर की। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।